हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग स्टार में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे स्प्रिंग रोल, जो कि कम तेल मसाले में बन जाते हैं, बड़ों और बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो आप बनाइए स्प्रिंग रोल। तो देखिए ये किस तरीके से बनते हैं। एक कटोरी मैदा लेंगे, जिसका हमें स्मूथ पेस्ट बनाना है, तो हम धीरे धीरे पानी करके इसको घोलेंगे। ये देखिए, धीरे धीरे इसलिए पानी डालेंगे जिससे कि इसमें गुठली ना पड़ जाए। तो हमें एक बिल्कुल पतला पेस्ट तैयार करना है। तो ये देखिए, हमारा बिल्कुल पतला पेस्ट तैयार हो गया। गाढ़ा नहीं होना चाहिए, पतला ही होना चाहिए। तो ये तैयार हो गया। अब हम इसको ढक के थोड़ी देर के लिए रख देंगे, जब तक हम स्टफिंग बनाएंगे। तो स्प्रिंग रोल के लिए ये हमने छोटा छोटा पत्ता गोभी काटा है, और ये गाजर हमने छोटी छोटी काटी है, ये शिमला मिर्च है एक छोटी छोटी काटी है, ये हरी मिर्च छोटी छोटी काट ली है, और ये काली मिर्च है, और ये विनेगर है, और ये सोया सॉस है, और ये नमक है, और ये ऑयल है। पैन को गैस पर रख दिया है और हमने गैस जला दी है। हम एक चम्मच ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा गर्म होने देंगे इसको। और ये जो हमने शिमला मिर्च काटी थी उसको डाल देंगे सबसे पहले, जिससे ये हल्की सी भुन जाए। फिर गाजर डालेंगे फटाफट, और पत्ता गोभी डाल देंगे, और इन सबको मिक्स करेंगे और हल्का सा फ्राई करेंगे। इसमें हमने हरी मिर्च भी डाल दी और हल्का सा हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें काली मिर्च डालेंगे, जो कि एक चम्मच है। और इसको भी अच्छे से मिलाएंगे। और ये हमने सोया सॉस डाल दिया, एक चम्मच सोया सॉस है। और ये विनेगर, एक ढक्कन मतलब एक चम्मच टेबल स्पून आप विनेगर डालेंगे, और स्वाद अनुसार नमक डाल दिया। इन सबको हम अच्छे से मिला देंगे इसमें स्टफिंग में। तो अच्छे से मिलाएंगे, बस थोड़ा सा ही इसको भूनेंगे, जिससे कि ये क्रंची बनी रहे सब्जियां। ये हमारी है ना स्टफिंग बिल्कुल तैयार हो गई है। इसको हमने एक प्लेट में निकाल लिया है, और इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे। तो इसको बनाने के लिए हमने नॉन स्टिक तवे को गैस पे रख दिया, गैस ऑन कर दिया, और थोड़ा सा ऑयल लगाया है, जिसको हम नैपकिन पेपर से पोंछ देंगे। इस तरीके से हम सारा पोंछ देंगे, जिससे कि जो हम गोल्ड इस पे डालेंगे वो चिपके नहीं। अब हम इस पे घोल डालेंगे, थोड़ा सा चला के इस घोल को इस पे डालेंगे, और रोटी के आकार का घोल हम बना के तैयार करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल गोल रोटी के आकार का घोल हमारा बन गया। अब हम एक प्लेट लेके इस पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, और इस पे हम जो हमने वो बनाया है रोटी के आकार का, वो इस पे हम रखेंगे, जिससे कि ये चिपके नहीं। ये जो हमने रोटी के आकार का चीला बनाया, अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। तो ये देखिए, ये हमें स्टफिंग इस तरीके से पतला पतला यूं लंबे आकार में लगा देना है। और पहले हम इसको इधर से मोड़ेंगे, फिर हम इसको इधर से मोड़ेंगे, और फिर इसको हम इधर से मोड़ देंगे, जिससे कि हम जब तलेंगे ना, तो इसमें से स्टफिंग बिल्कुल नहीं निकलेगी। इसको हम मोड़ के देख लेंगे। अब हमने ये है ना कटोरी में मैदा को बहुत पतला सा घोल बना के तैयार किया था, तो इससे हम यहाँ पर लगा देंगे, और इसको हम बंद कर देंगे, जिससे कि बिल्कुल चिपक जाए, और बिल्कुल भी तलते वक्त स्टफिंग ना निकले। तो ये हमारा बन के तैयार हो गया एक। इस तरीके से हम सारे बना लेंगे। गैस पे कढ़ाई रखेंगे और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। इनको हम डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन हम इनको सैलो फ्राई कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है, जो कि अब गर्म हो गया है। तो हम इसको एक एक करके डालेंगे, एक साथ हम दो तल सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे ब्राउन होने लगे हैं। और इसको फिर से हम इसको हम ऐसे पलटेंगे, और दूसरी साइड भी सेक लेंगे।
ये देखिए कितने अच्छे बन गए हैं और इनमें से स्टफिंग भी नहीं निकली है, बिल्कुल पैक्ड हैं ये। तो ये हमारे हैं ना अब तल गए हैं, ये करीब 2 मिनट लगते हैं और इसको टेढ़ा करके निकालेंगे जिससे सारा ऑयल हमारा कढ़ाई में ही रह जाए। ये देखिए हमने निकाल लिए। ये देखिए हमने सारे तल लिए हैं, इसको अब हम पिज़्ज़ा कटर से काटेंगे, इस तरीके से हम काटेंगे। ये हमने सारे काट लिए हैं, देखिए कितनी अच्छे से स्टफिंग इसमें भरी हुई है, ये कितने क्रिस्पी और टेस्टी दिख रहे हैं। तो आप इसको सॉस से खा सकते हैं और आप लोग खाइए और सबको खिलाइए। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जो जो मेरी वीडियो देख रहा है, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले, और शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया।